हम मुलायम सिंह जिंदाबाद, मुलायम सिंह जिंदाबाद। अच्छा, ये मुलायम सिंह कह रहे हैं? नहीं, मोदी आए, मोदी मोदी आए। जयवीर सिंह मैनपुरी से सुना, उनकी में चर्चा में है कि उनको टिकट मिल सके। बोले ही मिल जाए तो मजा आ जाए। अच्छा, तो मजा कैसे आ जाएगा? मजा आ जाए यदि हार गए तो मालूम पड़ेगा हम मिनिस्टर रहते कहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं विषम प्रताप। हमारी चुनावी यात्रा इस समय, माहौल क्या है मैनपुरी लोकसभा में? अभी इस समय हम हैं मैनपुरी लोकसभा में, इस बार क्या होगा ये जानने के लिए हम आए हुए हैं। मैनपुरी लोकसभा के सदर विधानसभा के अंतर्गत एक तहसील पड़ती है कुरावली, वहाँ पर हम अभी इस समय हैं। कुछ लोग बैठे हुए मिल गए हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर मैनपुरी में समाजवादी पार्टी फिर से अपना भाई अपना परचम बरकरार रखेगी या फिर कोई दूसरी पार्टी यहाँ पर इतिहास बना पाएगी। ये जानने के लिए हम यहाँ पर अभी आए हुए हैं और इन लोगों से बात करके जानेंगे कि आखिर मैनपुरी लोकसभा में इस बार माहौल क्या है। तो यहाँ पर एक ताऊ जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर इस बार माहौल कुछ बदला है या वही रहेगा। ताऊ जी थोड़ा इसको नीचे कर लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम क्या है आपका? हमारा नाम सियाराम। सियाराम जी, तो क्या लगता है आपकी बार क्या होगा माहौल मैनपुरी में, क्या है? हमारा माहौल तो अभी तो मोदी का है। मोदी का है? यहीं के रहने वाले, आसपास के? हाँ, आसपास के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, तो मोदी तो वैसे मैनपुरी में तो भाजपा तो पहले तो नहीं थी, लेकिन अब तो माहौल बन गया उनका। अभी डिंपल यादव बहुत बड़े अंतर से जीती थी। नहीं, पहले जीती थी, अब नहीं। अच्छा अच्छा। तो भाजपा ने अभी प्रत्याशी तो कोई क्लियर नहीं किया, क्या लगता है किसको बनाना चाहिए? आप प्रत्याशी तो अभी हमको नहीं मालूम, इतना हम बोल नहीं है। कोई आए लेकिन आप मोदी के सपोर्टर? हाँ, सपोर्टर है। तो क्या मोदी जी के काम अच्छे लगते हैं? काम तो अच्छे लगते हैं, लेकिन गरीब आदमी को जो है अबे उनके सभी काम अच्छे हैं। अच्छा, गरीब को खाने को मिलता है। अच्छा, तो सपा सरकार में क्या अच्छा नहीं हो रहा था? नहीं, अच्छा तो अपनी अपनी जगह पे सब हो रहे थे, लेकिन जब जैसा अच्छा गरीब आदमी जो है, जब उसकी आत्मा भर जाती है, वो ही अच्छा कहने लगता है। अच्छा, तो लगता है कि यहाँ पर बीजेपी अब की बार निकाल पाएगी सीट? अब ये तो कोई क्या है, ताकत तो अपनी अपनी सब लोग आते हैं। अच्छा, आप पहले भी बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं? हाँ, पहले भी रहे हूँ, तो अब भी हैं, तो फिर लेकिन बीजेपी अब तो अगर बदल जाती है। अच्छा, आप कुछ कहेंगे? हाँ। नाम क्या है आपका? महाराणा बादाम सिंह। बादाम सिंह जी, हाँ। तो क्या लगता है इस बार हमें मोदी आएंगे? मोदी आएंगे, मोदी आएंगे, मोदी मोदी आएंगे, मोदी मोदी आएंगे, मोदी आएंगे। भैया क्या कह रहे हैं? हम मुलायम सिंह जिंदाबाद, मुलायम सिंह जिंदाबाद। अच्छा, ये मुलायम सिंह कह रहे हैं? नहीं, मोदी आए, मोदी मोदी आए। नहीं, गलत नहीं करना। अच्छा, एक बात बताइए कुछ हमें, ये बताइए यहाँ पर मतलब जाति समीकरण वैसे किधर, जो समाजवादी पार्टी निकलती है तो किस कार्ड से निकल जाती है? क्या यादव और एम भाई फैक्टर से? असल में जात पार्टी ज़्यादा चलती है यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, जात बात ज़्यादा चलता है। हाँ। अब ये मुलायम सिंह थे, इनकी जात बात ज़्यादा चलती थी। हाँ। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और वैसे जो आदि छोटी छोटी जाते हैं, हाँ। ये लोग बहुत सताते थे। अच्छा। लेकिन मुलायम सिंह सुनवाई कम करते थे लोगों की। अच्छा अच्छा, इन लोगों को ज़्यादा करते थे। अच्छा, सपा सरकार में वैसे यहाँ पर क्या मतलब जो काम सही नहीं होते थे सपा सरकार? काम तो ऐसे है कि आप, हम गरीब हैं, हमको भी माली मात पर ढीला, कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ कर दिया, ताकि आदमी दुख ही ज़्यादा हो गया। अच्छा अच्छा। आइए, चलो हम कोशिश करेंगे और लोगों से जानने की क्या खेल में यहाँ मैनपुरी लोकसभा में माहौल क्या है। हाँ, पूछ लेना भैया, आप कुछ बोलेंगे? बताइए सर, माहौल क्या है इस बार मैनपुरी में? थोड़ा इसको नीचे कर दीजिए, फिर देख लेना। हाँ, मैनपुरी का माहौल तो वो मतलब सपा ही आती है। अच्छा, सपा आती है। ये चचा कह रहे थे, ताऊ जी कह रहे थे कि भाजपा आएगी। भाजपा मैनपुरी में नहीं आ पाएगी। नहीं आ पाएगी। अच्छा, तो क्या कार्ड क्या रहता है कि भाजपा? अरे, ये उनकी सीट है, पुरानी सीट है उनकी, यहाँ क्षेत्र है, यहाँ तो आएंगे ही वो, यहाँ भाजपा का क्षेत्र नहीं है। अच्छा भैया, कुछ कहेंगे आप? हम एटा के रहने वाले हैं। अच्छा, एटा के रहने वाले हैं। अच्छा, एटा एटा ही जिला, वो एटा लोकसभा में पड़ता है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, क्योंकि एटा भी है, एक तो आगरा लोकसभा में भी आता है उसका कुछ क्षेत्र, एटा कुछ फरुखाबाद में। अच्छा, तो वहाँ क्या है?
वहाँ पर तो बराबर ही टक्कर मालूम पड़ रहा है भाजपा और सपा की। सपा से देवेश शाक्य है, देवेश भाजपा से भी राजवीर सिंह, कल्याण सिंह जी के बेटे हैं। कैसा काम है उनका उधर? सही है, कल्याण सिंह उनका ही सही है, राजवीर सिंह का। अच्छा अच्छा, बराबर की टक्कर है, बराबर की रहेगी इस बार। भैया कुछ कहेंगे आप? माहौल कैसा है, क्या लगता है इस बार? माहौल है, टक्कर है, दोनों आदमी की बराबर बैठेगी, दोनों लोगों ने बराबर बैठेगी, देखो कि जीत जाए। टक्कर तो कसके रहेगी, दो आदमी की टक्कर कसके रहेगी भाजपा की। आइए कुछ लोगों से और हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, कोशिश करेंगे जानने की। राम राम जी। राम। अच्छा, माहौल लोकसभा चुनाव मैनपुरी में इस बार क्या है, क्योंकि चुनाव आने को है, थोड़ा समय बचा हुआ है, तो क्या लगता है इस बार क्या रहेगा? अब की बार सपा का माहौल है। सपा का तो पहले से ही था। हाँ, तो वही रहेगा, वही रहेगा, तो मैनपुरी माहौल ही है, वही है। अच्छा, तो मैनपुरी में बदलता आखिर क्यों नहीं है, क्या जाम पैतृक जमीन मान ले ना कि? अच्छा, आप यहीं के मैनपुरी के ही रहने वाले? नहीं, यहीं के हैं, कोरावली। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो नमस्कार, एक ही बात है सबकी। नाम क्या है आपका? नाम तो राम बहादुर है। अच्छा अच्छा, तो क्या लगता है इस बार फिर वही सपा ही आएगी यहाँ पे? कौन से चैनल पे दिखाई रहे हो तुम? जी गंगा टाइम पे। अच्छा गंगा टाइम। हाँ, अब माहौल आप हम जानने निकले हैं कि मैनपुरी लोकसभा में इस बार क्या रहेगा, कुछ बदलाव होगा या फिर सपा निकलेगी यहाँ से? कोई किसी का कोई नहीं, डिम्पल यादव है प्रत्याशी। अब बताओ भाजपा को है, तुम बताओ। भाजपा से भी प्रत्याशी नहीं आया है तो बताओ, हार स्वीकार कर ली? नहीं, तो पार्टी की तरफ से क्या है, मतलब उनकी तरफ से क्या है आपका, कि किस लिए भाजपा को वोट नहीं करेंगे, क्या कुछ मतलब बताएंगे, कुछ अच्छे काम या बुरे काम? अरे यहाँ पर उनका काम ही सब है। आप कुछ कहेंगे भैया? यहाँ तो सपा ही निकलेगी, सपा ही निकलेगी, डिंपल यादव 100%। अच्छा, बताए दही, यहाँ तो यही चलता है। अच्छा अच्छा, सपा ही आएगी है, भाजपा दम लगाए निकल नहीं पाएगी? कोई जब प्रत्याशी ना है तो यहाँ काय दम लगाइए कोई, जैसे कि जयवीर सिंह को उनका कुछ नाम चर्चा में है कि कोई सिंह आ जाए, कोई सिंह आ जाए। अगर जयवीर सिंह मैनपुरी से, सुना उनके में चर्चा में है कि उनको टिकट मिल सके, उन्हें ही मिल जाए तो मजा आ जाए। अच्छा, तो मजा कैसे आ जाएगा? मजा आ जाएगा जब हार गए तब मालूम पड़ेगा हम मिनिस्टर रहते कहाँ आते। अच्छा, अच्छा, इनका कैसा काम है, जैसे विधायक अभी चुने गए हैं, मंदिर बनवा रहे, कुछ ना काम कर रहे? अच्छा अच्छा, भगवान मंदिर में थोड़ूंगी, सब जगह हमें, हमारे दिल में भगवान है, तुम्हारे दिल में भगवान है, सब जगह भगवान है। अच्छा, सम्मान निधि वाले रुपये आते हैं, पीएम सम्मान निधि वाले आते हैं? अच्छा, तो राशन वगैरह मिलता है, इससे खुश नहीं है क्या? कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं इससे, कुछ नहीं। अच्छा, लोगों से हमने जाना है, भीख मंगा रहे, भीख दे रहे, भीख दे रहे। नौकरियां भी अभी निकली हैं उत्तर प्रदेश में, पुलिस की भर्ती अभी तो पेपर लीक हो गया, लीक हो गया पेपर, उस पर क्या कहेंगे? वो तो लीक करवाओगा, वो लीक और कहते हैं भैया, भर्ती करने का प्लान नहीं है उनका? नहीं है, एक साल बाद। अभी हमने पिछले आपको दिखाया था पहले उधर कुरावली के एक साइड में, वहाँ पर कुछ लोगों से बात की थी हमने कि माहौल क्या है मैनपुरी लोकसभा में। मैं अभी कुरावली नगर पंचायत में ही इसी में अंदर आया था, तो यहाँ पर कुछ लोग मुझे एक जगह बैठे हुए मिल गए अचानक से, तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर कुरावली में, पूरे मैनपुरी में आखिर माहौल क्या है। आप लोगों को दिखाएंगे कि ग्राउंड रिपोर्टिंग पे लोग आखिर इस बार क्या समाजवादी पार्टी को फिर से समर्थन वही करेंगे या फिर दूसरी पार्टी इतिहास बना पाएगी। तो यहाँ पर एक चाचा मेरे पास मौजूद है, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर माहौल क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार। नाम आपका? राजेश चंद्र गुप्ता। राजेश चंद्र गुप्ता जी। जी। अच्छा, हम ये जानने निकले हैं कि माहौल क्या है मैनपुरी लोकसभा में इस बार। मैनपुरी लोकसभा में समाजवादी पार्टी का ही माहौल है। समाजवादी पार्टी का? हाँ, समाजवादी पार्टी अखिलेश का ही है, वही जीते हैं। बदलाव नहीं चाह रहे हैं क्या मैनपुरी के लोग? कोई मैनपुरी में कोई बदलाव नहीं। अच्छा, ऐसा क्या कारण है, क्यों नहीं चाह रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी के काम? बहुत काम कराए इधर। अच्छा अच्छा, यहाँ आप बैठे हैं, ये देख रहे हैं रोड आप? हाँ हाँ, ये रोड में इतना इतना दंदल था। अच्छा अच्छा, ये सब उनकी देन है, पूरा शहर में जहाँ भी आप जा रहे हैं ये रोड पक्के दिख रहे हैं। सरकारी उनकी रही है तो फिर होगा ही नहीं, तो अब सरकार अभी 10 साल से इनकी, इन्होंने तो कोई नहीं रोड बनाया। तो ये पहले से बना था? 20 बार चेयरमैन साहब से मैंने कहा ये खरंजे भरंजे टूटे पड़े हैं, थोड़ा इनमें काम करा दो। अच्छा, यहाँ पे नहीं आ रहा कुछ, तो क्या कुरावली में नगर पंचायत पे तो पहले समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा था?
हाँ पहले समाजवादी पार्टी, जब से भाजपा आई तब से भाजपा का कैंडिडेट है अभी। पहले समाजवादी रही, फिर उसके बाद बसपा भी रही एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद भाजपा दूसरी बार भाजपा। अच्छा, अभी भाजपा अभी पिछला चुनाव लड़ी थी, रघुराज साक्य को प्रत्याशी बनाया था। सौराज साक्य तो बड़े अंतर से चुनाव हारे थे, वो क्या कार्ड रहा था? वो यही कारण है उनका, वही अखिलेश भैया का यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लोग चाहते हैं। अच्छा, लोग चाहते काम, उनका काम बोलता है। अच्छा, काम बोलता है काम। अच्छा, आप तो गुप्ता हैं, मतलब आपके समाज का तो ज़्यादातर कहते हैं कि भाजपा की तरफ ही झुकाव है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो काम करेगा, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र में जो काम करेगा उसको देंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, वैसे ही क्यों दो वोट खराब करो। अच्छा, भाजपा से अभी विधानसभा में भाजपा ने ये सीट अपने कब्जे में कर ली थी, वो ठाकुर जयवीर सिंह जो अभी विधायक चुने गए थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। वो कुछ बढ़िया थे, जयवीर सिंह वो नए आए थे। अच्छा अच्छा। तो उनका विरोध भी नहीं था शहर में, कहीं भी उनका विरोध नहीं था। तो अब कैसा है उनका माहौल? अब उनका आगे आएगा तब मालूम पड़ेगा। अच्छा, अगर कुछ लोग कहते हैं जैसे कि जयवीर सिंह को भी टिकट मिलने को है या मैनपुरी में लोकसभा से अगर मिलती है तो? नहीं, लोकसभा से नहीं जीतेंगे। नहीं जीत पाएंगे? नहीं नहीं, लोकसभा से नहीं, विधानसभा की अलग बात हो जाती है, क्योंकि जिला लग जाता है ना शहर, तो शहर में वोट ज़्यादा है भाजपा का होता है, हर जगह शहर में वोट भाजपा का ज़्यादा होता है, वो एक अलग बात है, और लोकसभा अलग बात है। अच्छा, भाजपा के और क्या काम आपको जो अच्छे नहीं लगे, किस कारण से नहीं आएगी यहाँ भाजपा? यहाँ अब आप देखो हिट एंड रन, एक ड्राइवर, आप भी ड्राइवर ने मोटरसाइकिल चला के आए, अब यार आपसे कोई दुर्घटना घट जाए 10 साल जब आप जेल जाएंगे तो आपके बच्चे क्या खाएंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए। अच्छा, वो तो वापस हो गया था ना काम? वापस कहाँ हुआ है, वो तो पास हो गया, राष्ट्रपति ने शासन दस्तखत कर दी उस पर, रोक लगा दी थी ना, रोक दिया है, वो सत्ता में आए तो लागू कर देंगे, कोई नहीं। सत्ता में तो है ही अभी नहीं, अब चुनाव है ना 24 के बाद। अच्छा अच्छा। 24 में दोबारा सत्ता में आए कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा, नगर पंचायत में चेयरमैन की जो सीट है ये यहाँ पर भाजपा ने फिर कैसे दो बार लगातार जीती? शहर में वोट भाजपा का होता है ज्यादातर। अच्छा अच्छा। शहरी क्षेत्र जो है उसमें भाजपा का दबदबा होता है, भाजपा का वोट होता है, और हिंदूवादी दिमाग है भाई, कुछ हिंदू 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 करती है क्या? हाँ, हिंदू हिंदूवादी दिमाग है तो चले जाते हैं उधर, घूम जाते हैं, और इधर वोट बट जाता है, समाजवादी का लड़ गया, बसपा का लड़ गया, वो दोनों मिला के हार गए। अच्छा, समाजवादी का कुनबा तो बहुत ज़्यादा घटता ही जा रहा है, लोग छोड़ते जा रहे हैं। नहीं, उनसे उन पर है क्या? उनके साथ जयंत चौधरी थे आरएलडी के, उन्होंने नहीं तो उन पर क्या, वो पहले थे, इज्जत भी थी वहाँ, क्या उनकी इज्जत है, कौन पूछ रहा? स्वामी प्रसाद ने भी छोड़ दिया क्या? स्वामी प्रसाद तो है ही, आप क्या बताओ उनके बारे में? अच्छा, वो सनातन के बारे में, हिंदू धर्म मालिक है, हिंदू और सनातन के बारे में बहुत कुछ बोलते थे। उनका तो भगवान ही मालिक है बोलते थे। अच्छा, हाँ, उनका क्या भगवान ही मालिक। अच्छा, वो अलग हुए तो क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा समाजवादी पार्टी कहते हैं कि उनके पास खुद ही अपना कुछ नहीं है? अरे वो तो कहते हैं हमारी वजह से समाजवादी पार्टी ने इतनी सीटें बढ़ाई। कुछ नहीं, उनके कहने से कुछ नहीं हो रहा, ना उनके कहने से बीजेपी में कुछ हो रहा, ना उनके कहने से समाजवादी में कुछ हो रहा, वो तो लुढ़कना लोटे हैं नीतीश कुमार जी की तरह। अच्छा अच्छा। हाँ, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अच्छा अच्छा, मैनपुरी में समझ, मैनपुरी में चार विधानसभाएं हैं, आती हैं पांच आती है, करहल वो उधर जसवंत नगर। अच्छा, जसवंत नगर, करहल तो मैनपुरी, भोगांव और तुम्हारी गिरोर। अच्छा अच्छा, ये भोगांव में भी भाजपा, किसनी, सॉरी किसनी, भोगांव में भी भाजपा के रामनरेश अग्निहोत्री हैं, पहले मंत्री रहे थे। हाँ, वहाँ लोधा वोट है ना असल में। अच्छा, तो दो सीटें ये भाजपा के पास है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले एक थी इस बार दो हो गई? लोकसभा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा, लोकसभा 3 लाख से ऊपर। अच्छा, डिम्पल यादव, फिर डिम्पल यादव 3 लाख से ऊपर, कम से कम ऊपर जा सकती है, नीचे नहीं। अच्छा, और लोग हैं इनसे जानकारी ले लेंगे, मैं क्या बताऊँ, नहीं बताओ जो बोलो। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जफर कुरैशी। मोहम्मद जफर कुरैशी, तो क्या लगता है आप इस बार क्या चाहते हैं, बदलाव चाह रहे हैं या फिर वही यहाँ से? साहब, हम तो बेरोजगार फिर रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। वो आप क्या रोजगार चाहते हैं? हम अपना काम चाहते हैं, जो काम करते हैं। हाँ, क्या काम करते हैं? यही काम, मुर्गे उर्गे का। और अच्छा, क्या काम ये हो नहीं रहा है क्या? बंद पड़ा मुर्गे तो, ये तो मतलब इनका तो मतलब कटान वगैरह तो चालू है सब कुछ, तो बच्चों की हमने फीस जमा नहीं कर पाई है। हाँ, 14,000 में बच्चों को हुआ है। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? जी, तो वक्त बताओ साहब, हम क्या रहे
तक। और अरे तो मतलब आपको परेशानी है जैसे रोजगार नहीं मिल रहा है तो? ना बाबा जी बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा बाबा जी बढ़िया कर रहे हैं? हाँ अच्छा काम कर रहे हैं। और मोदी जी? वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं, वो तो हमारे प्रधानमंत्री हैं भाई। अच्छा हाँ वो हमारे बहुत बड़े हैं। तो यहाँ मैनपुरी, चलिए वो छोड़िए ऊपर की बात है, यहाँ मैनपुरी लोकसभा में क्या रहेगा इसमें? मैनपुरी में तो साहब इन पे डिम्पल की याद है, पब्लिक पुकार रही है डिम्पल। अच्छा, अच्छा। उनको ही मतलब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ इन तो मैनपुरी पे अखिलेश की सीट रहती है। अच्छा अच्छा हाँ भाई सबकी निगाह उधर ही। अच्छा, क्या काट रहा है कि समाजवादी पार्टी ये सीट नहीं हारती है? अब उन्होंने साहब इन काम कराए, हर जगह काम है उनके, उनका काम बोलता है, काम बोलता है। आपके समाज का क्या लगता है, ये जो आप जहाँ पर हम अभी बैठे हुए हैं कुरावली में, तो मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा वोट है या किसी कहीं और? साहब जो मोमडन वोट जो है समाजवादी में जाएगा, सब समाजवादी में जाएगा। कांग्रेस और सपा का तो गठबंधन हो गया है, बहुजन समाज पार्टी अभी अपना प्रत्याशी उतारेगी, भाजपा ने भी कंफर्म नहीं किया है, तो क्या ये जब सीटें ये प्रत्याशी कंफर्म होंगे तो कुछ समीकरण बदल सकते हैं क्या? अब ये तो भाई ऊपर वाला जाने ला रहा हूँ, क्या तो बताया आपके मन में का कुछ बदलेगा, जो है अभी वही रहेगा। अब हम आपसे यही कह रहे हैं जो तो वक्त बताएगा। अच्छा भाई उनका बाबा चले एहसान हम पे। अच्छा उनका क्या एहसान? हम पे उनका जो एहसान है, उन्होंने हमें भाई कॉलोनी दी, हमने मतलब पानी टपकता था मकान में। तो ये चचा अभी कह रहे थे कि भाजपा काम ही नहीं कुछ करती है, उनके पास नहीं जो है उनका है वो ऐसा जो बात है वो कह रही है, जो कॉलोनी है। हाँ इतनी जरूर है साहब, हम बेरोजगार हैं, कुछ काम धंधा नहीं कर रहे हैं। अच्छा बच्चों की फीसें चढ़ गई हैं, मास्टर बैठने नहीं दे रहे कॉलेज में। अच्छा अच्छा वैसे योगी जी ने कॉलोनी दे दी है आपको, उनका एहसान हम पे, मतलब एहसान का उन्हें हम वो देंगे ऐसी बात। अच्छा आपने देखा है, हमने कोशिश की है लोगों से जानने की कि लोगों ने अपने मन में क्या है वो बताने की कोशिश की है। हम आप मेरे साथ बने रहेगा, हम आपको हर ग्राउंड रिपोर्टिंग पे वो दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं कि आखिर मैनपुरी लोकसभा में माहौल क्या है।